खुशी क्या है? कैफियत का नाम, दोस्त यारों में मिल बैठने का नाम, जिंदगी के रंग में घुल जाने का नाम, हर छोटे से छोटे लम्हे को जीने का नाम, महज कुछ कह कहे चंद चाय के कप, खुली किताबें और एक हवा के झोंके से सब गायब। मैं खुद को दुनिया का नाखुश तरीन इंसान तसव्वुर करता हूं। दिल पर हर वक्त उदासी का गलबा रहता है, सारी दुनिया तारीक लगती है, कोई काम करने को जी नहीं चाहता, शोर में भीड़ में लोगों के दरमियान घबराहट होती है। मैं लोगों को हंसता मुस्कुराता देखकर हैरान होता हूं कि इस दर्दनाक दुनिया में इन लोगों को किस चीज की खुशी है। बगैर किसी वजह के मेरा धाड़े मारने को जी चाहता है। मुझे उन लोगों की आवाज सुनते ही कोफ्त होती है जो किसी जमाने में मेरे दिल के बहुत करीब थे। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सबसे अकेला। ऐसा महसूस होता है कि किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म की सारी तवानाई को निचोड़ ली है। मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज हो चुका हूं। मेरा दिल जख्मी है और मैं अपना यह दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि सबको तो सिर्फ जिस्मानी घाव नजर आते हैं। मेरे ख्वाब, मेरा करियर, सब कुछ मेरे सामने जल रहा है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुस्तकबिल मुझे एक खौफनाक ख्वाब की तरह देख रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं उसका शिकार हो जाऊं। ये दुनिया बहुत बदसूरत है। मेरा दिल करता है कि बस यहां से चला जाऊं। मुझे सुकून की तलाश है, लोगों, मुझे सुकून की तलाश है। मुझे मेरी जान के इवज सुकून खरीद दो। मैं इस तकलीफ को और नहीं झेल सकता। महफिल है, हजूम है, कह कहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं हूं दरमियाने हजूम, पर मैं कहां हूं? जकड़ा है जिस्म को तन्हाइयों के जाल ने, मैं फिर रहा हूं मारा मारा न जाने किसकी तलाश में। खुद को देखूं या गर्दिशे दौरान की सिफ्त देखूं, मालूम मुझको खुद ही कब है कि हूं किस हाल में। वाकफियत है मुझसे हर हाल में, पर कब हूं मैं किसी की पहचान में। शिद्दते तकलीफ इतनी के पस्त हुई यहां, मुझ में तकलीफ और मैं दफने तकलीफ यहां, कहूं किसको अब मैं यहां, निकल जिस्म से बस अब खुदा हाफिज एजा।
अक्सर हम अपनी मुश्किल या परेशानी का हल खुद तलाश नहीं कर पाते। कभी कभार हम हालात को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो किसी अच्छे दोस्त को दिल का हाल सुनाने और उनको अपनी परेशानी के बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान का शोक मनाया है जो अभी जिंदा है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक जीता जागता इंसान मौजूद हो लेकिन वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप उसे जानते थे? आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हैं जो जहनी बीमारी का शिकार हैं और जिन्हें आपके मुकाबले में काम करने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि वो काम करना नहीं चाहते, मगर वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जहन माउफ हो जाता है, ख्यालात बेरब्त रहते हैं और आसपास के लोग होते हुए भी बात करने का दिल नहीं करता। इन अमराज की तशखीस में सबसे बड़ा मसला इन अमराज से जुड़े दकियानूसी ख्यालात, शर्मिंदगी और लोगों की सोच का है जो हमें इस बारे में खुलकर बात नहीं करने देता। लेकिन जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे तो इलाज कैसे कर पाएंगे? जब आप ऐसी अलामत अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी शख्स में देखें तो उसकी बात को सुने, उसको समझने की कोशिश करें और ये ना कहें कि तुम ड्रामा कर रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो। जिंदगी शायद इतनी मुश्किल नहीं थी। जिंदगी तो खूबसूरत है, बस सफर मुश्किल था। मंजिल तो खूबसूरत है, एक कदम उठाना पड़ता है, खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है। सुकून की वो लहर जिसकी थी मुझे तलाश, शायद है मेरी मुंतजर, शायद है मेरी मुंतजर।